पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मनोकामना श्री हनुमान प्रचार समिति के तत्वावधान में हर वर्ष नवरात्रों में वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसी कड़ी में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में नवरात्र के पावन पर्व पर पुरोहित हरिदत्त शास्त्री के द्वारा हवन पूजन पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से संपन्न कराया गया। माँ जगदम्बा के दूसरे स्वरूप की उपासना करते हुए पुरोहित हरिदत्त शास्त्री ने बताया कि माता रानी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी भक्तों को सुंदर रूप प्रदान करती हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजन से संतान की प्राप्ति का योग बनता है और उसके साथ ही माँ धन धान्य से परिपूर्ण करती है। जो भी बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है वो भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, उसकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण से हवन संपन्न हुआ, अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान महेंद्र कुमार रहे, जिन्होंने माँ देवी के स्वरूप की उपासना की और पूजा अर्चना करके भक्तगणों ने भी देवी माँ को मनाया। इस अवसर पर आयोजन में विपिन शुक्ला, सुभाष मल्होत्रा, बिल्लू कत्याल, रमेश कपूर, बीपी निगम, राजेंद्र कुमार, प्रणय कुमार गुप्ता, संजय त्यागी और चौधरी महेंद्र सिंह, नितिन गुप्ता, अनु अग्रवाल सभी का विशेष सहयोग रहा।